किसी एक बंदे की गलती हमें भारी पड़ रही है भैया, इसीलिए कहते हैं मत करो ट्रिपल सवारी, आपकी सुरक्षा से ही हमारी सुरक्षा है। दे लोग बताइए, भैया। एंग्री मूड में लग रहे हैं। एक बाइक में तीन तीन लोग बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहे हैं। हे यूट्यूब, इतना क्यों जुर्म कर रहे हो हम पे? हम ब्लॉग बना के गाने भी नहीं सुन सकते। आई हेट यू बट आई लव यू टू यूट्यूब। 25 मार्च को हमारे 2.0 कहूँ या बुलडोजर बाबा कहूँ या इन शॉर्ट में बाबा कहूँ, हमारे योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेंगे और इनका शपथ ग्रहण हमारे एकाना स्टेडियम लखनऊ में है। आप सबको आना है और बाबा को बहुत सारा आशीर्वाद। कैसे हो आप सब? अगेन योर लड़का, लग्जरी लड़का, बैक टू योर चैनल मैन। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रोड ट्रिप की, और रोड ट्रिप बिना लग्जरी कार के कैसे होगी ये आप सबको पता है। तो आज ये मैं अपना पहला ब्लॉग बना रहा हूँ, तो चैनल पे बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा कर के सबसे पहला काम वही करें। तो फिर दोस्त, ये है लखनऊ का प्लासियो, और प्लासियो टू कानपुर हम प्लान कर रहे हैं बाई कार जाने का। कार का भी वीडियो होगा और बताना चाहूँगा बाई रोड लग्जरी कार से जाने का कैसा फील और कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो भाई लोग, फाइनली 50 लाख की कार में बैठ गए हैं। अंदर अंदर स्टार आप देख ही सकते हो। मर्सिडीज यार हर किसी की पसंद होती है और मैं चलाने वाला हूँ, तो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। सो आप इसका कॉकपिट व्यू देख रहे होगे, जो कि कार को और ज़्यादा लग्जरी बनाता है। इसकी कुछ खूबियाँ ऐसी हैं कि जो कार को ही नहीं आपके पॉकेट को भी लग्जरी कर देती हैं, क्योंकि पैसा बचाती हैं, तो वो पैसे आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। इस कार में 8 साल की वारंटी मिलती है, वो भी कंपनी की तरफ से, परचेज नहीं करनी पड़ती है। जो लोग कार यूज़ करते हैं उन सबको पता होगा कि 3 साल के बाद या 2 साल के बाद, किसी किसी मैन्युफैक्चरिंग की, हर किसी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। तो ये मर्सिडीज़ का पहला प्रोडक्ट है, वर्ल्ड का कहूँगा और इंडिया का कहूँगा, जो कि 8 ईयर्स वारंटी देता है इंजन की एंड गेयर बॉक्स। जैसा कि हमेशा कहता हूँ, सीट बेल्ट पहले पहने, देखा होगा आपने, बिना बताए मेरे हाथ सीट बेल्ट लग गए। तो इससे आपकी कार की सेफ्टी, आपकी सेफ्टी, सामने वाले की सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। एंड जिसने भी कार मर्सिडीज़ नहीं ड्राइव करी है तो वो मर्सिडीज़ नहीं ड्राइव कर सकता। इसलिए नहीं कि उसको चलानी नहीं आती, ऐसा नहीं है, चला लेता होगा, बट गियर लीवर यहाँ पे होता है। आप देख सकते हो गाड़ी रेडी है दौड़ने के लिए और हम रेडी हैं दौड़ाने के लिए। सो लेट्स गो मैन, यार कुछ भी को मज़ा आ रहा है और हम चल चुके हैं कानपुर के लिए। अभी टाइम हुआ है 12:28, आप देख सकते हैं, और देखते हैं हमें कानपुर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। जहां तक मुझे लगता है 2 से 2.5 घंटे तो लगने चाहिए हमें। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्लासियो से एयरपोर्ट तक आ चुके हैं। ये अमौसी एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का रास्ता इधर जाता है और हम रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, जैसे अगर जो बाय रोड ट्रैवल करते हैं या बाय बस करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ की एक टैक्सी मिल जाती है। आप अभी यह बताऊँगा, यहाँ पे कई सारी टैक्सीज जो होती हैं जो डेली अप डाउन करते हैं, तो वो लोग 100 रुपीज़ लेते हैं आपको। कोई गंगा बैराज के पास छोड़ता है, कोई कंपनी बाग चौराहे पर ड्रॉप करता है, या फिर कोई जाजमऊ जाता है, तो ऐसे ही बर्रा बाईपास या फिर कहीं पर भी आपको कानपुर एक स्टॉपेज नियर अबाउट आप पहुँच जाते हो, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। 100 रुपीज़ में आप कानपुर पहुंच जाते हैं। एंड अगर बस से जाते हैं तो बस का मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन फिर भी एक अप्रॉक्सी समवेयर अराउंड 140 के आसपास टिकट है उसका। तो बस भी आपको हार्डली 3 से 3.5 घंटे में पहुंचा देती है। तो बेसिकली आपका कम्फर्ट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मुझे अगर मुझसे पूछो तो बाई रोड ज़्यादा ट्रैवल होता है हमारा, तो बाई कार ही करता हूँ। तो हाँ, लग्जरी कार से तो नहीं करता हूँ उतना, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, लग्जरी कार अगर लग्जरी है तो उसका पर किलोमीटर की जो कॉस्टिंग आती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि उसका किलोमीटर एवरेज, टायर
सर्विस मेंटेनेंस जो मैं टैक्सी की बात कर रहा था वो यहाँ से मिलती है। ये देखिए टैक्सी खड़ी है, 100 रुपीज में लेती है, जैसे बहुत सारी टैक्सीज होती है जो एयरपोर्ट पे किसी को ड्रॉप करने आती है। वो X7 जा रही है, इसका भी ब्लॉग मुझे बनाना है और बहुत जल्द बनाऊंगा। फिलहाल आपको दिखा देता हूँ पास से यू। इट्स अ नाइस कार। एक्स ड्राइव जो होता है इनका, आप देख सकते हो बगल में लिखा होगा एक्स ड्राइव, ये 4-व्हील ड्राइव होता है इनका। कार का साइज अगर हम पीछे से बोलें और कंपेयर करते हैं BMW को X7 से, अगर Audi Q7 एंड देन GLS, तो साइज वो ठीक है बट थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लग रहा है पीछे से। लाइट्स इन्होंने वही 7 सीरीज वाली दी हुई हैं, तो एग्जॉस्ट दिख रहे हैं। टायर साइज भी समवेयर अराउंड 20 or 21 inch के होंगे एग्जैक्टली। जब मैं आपको प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो आ गए हम फाइनली जो कि कानपुर टू लखनऊ, लखनऊ टू कानपुर, एक टोल टैक्स पड़ता है नवाबगंज टोल टैक्स जिसको कहते हैं। तो हम नवाबगंज टोल टैक्स आ गए हैं और फास्टैग लेन में लग गए हैं। फास्टैग का फायदा है और हमारा टाइम भी बचता है, लेकिन कब बचता है लेट्स सी। आप देख रहे हो अभी हमने गाड़ी रोकी और हमारा नंबर कब आता है। भैया लग रहा है ब्लॉगर बन गए हैं, बड़ा टफ काम सा लगता है जब सारे लोग हमको देखते हैं, कैमरा को देखते हैं। हम कहते हैं अरे भैया इसे मत देखो, जो आता है वो भी नहीं बोल पाएंगे। 120 के ऊपर जाएंगे तो पों पों करके ये अलार्म आपको देगा कि भैया नीचे आ जाइए, तो फिर हम इसकी बात मानेंगे और नीचे आ जाएंगे और पों पों बंद हो जाएगा। अच्छा ही है, हम भी सेफ, हमारी इतनी महंगी गाड़ी सेफ, सामने वाला आदमी भी सेफ। समझ ही सकते हो इतना बोलने के बाद भूख लगती है। तो हम आए हैं आनंद भोग, हमारा स्टॉपेज यही रहता है और हम यहीं रुकते हैं क्योंकि यहाँ का जो थोड़ा बहुत खाने पीने का है मिल जाता है। वैसे तो डाइटिंग पे चल रहे थे लेकिन हमने कहा आजकल हो नहीं पा रही है, कुछ खा लेते हैं। पनीर पकौड़े वैसे यहाँ के बहुत अच्छे और यहाँ की चाय बहुत अच्छी। और डोसा फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मन हो गया खाने का, तो डोसा इज़ ऑल्सो अमेजिंग। कभी ट्राई करना कानपुर टू लखनऊ ट्रैवल करना या लखनऊ टू कानपुर करना। शुद्ध देसी स्टाइल। तो वरुण कैसा था चाट? तुमने तो चाट प्रेफर किया खाना। चाट यार सर बहुत बढ़िया था, बहुत मतलब ये था कि अच्छा खासा क्वांटिटी में था, ये तो मैं कहूंगा। आपका डोसा कैसा था? अरे डोसा वाज अमेजिंग, तुमने देखा होगा कि मैंने कहा यार वो सांबर का ही डोसे में मजा होता है। तो मैं सांबर की एक दो स्पून और लेना चाह रहा था। आई मीन लिटिल बिट हरी, बट ये था कि सांबर बहुत टेस्टी था, तो आई थॉट कि यार पूरा फिनिश करो, बट इतना क्वांटिटी था ना वो फिनिश नहीं हुआ। क्वांटिटी बहुत सही था। एंड व्हाट वाज द टेस्ट लाइक? आई लव द डोसा, मसाला डोसा। देन व्हाट अबाउट यू, लाइक हाउ वाज चाट? चाट सर अच्छा था, खास करके एक तो पहली चीज ही होता है ना चाट में जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है वो दही। अगर दही और चटनी का वो लोग सही एकदम वो कर दे ना, वो एकदम अग्री। इंडिया में अगर समोसा नहीं भी अच्छा है, अगर उसका चटनी अच्छा है तो समोसा अच्छा है, वो बेस्ट समोसा हो जाता है। अगर दही और चटनी का एकदम सही वो एकदम मेल कर दे बस, एग्जैक्टली, तो खाते जाओगे वो चटपटा टेस्ट होता है ना, अग्री। वरुण तो फाइनली हमें बहुत ये दोनों अभी आवाज में आप सबको लग रहा होगा अभी ताकत आ गया है ना अंदर। राइट, काफी डल हो रही थी बैटरी, अभी चार्ज है तो अभी हम भी चार्ज हैं और आप देख सकते हो हम कार की ड्राइव एंड देन रोड की ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से अच्छे कमेंट करें, तो शायद आपको मैं कुछ अच्छा गिफ्ट भी दे पाऊँ, हो सकता है अपने साथ ट्रिप पे भी ले चलूँ अगर आपके पास टाइम है तो। सो फाइनली अब हम इसको हरा देंगे क्योंकि मर्सिडीज इज द नंबर वन एंड आप देख सकते हो बाय X7। सो X7 पीछे हो गई है, मर्सिडीज आ गया है। सो आप भी कह सकते हो मर्सिडीज इज नंबर वन। आई एम जस्ट किडिंग, दे बोथ आर वेरी गुड ब्रांड्स एंड दे वेरी गुड कंपटीटर ऑल्सो। तो कानपुर हम पहुँच गए हैं और ये गंगा बैराज हम पहुँचने वाले हैं। कानपुर की आन और बान शान, हमारा गंगा बैराज। शाम टाइम में और मौसम अच्छा हो तो यहाँ का नज़ारा भी देखने लायक होता है। सो हमने देखा था 12:30 के आसपास निकले थे हम,
2:16 पे आ गए हैं, हमारा बीच में स्टॉपेज भी था, तो हाँ टाइम से आ गए हम। हमने ज़्यादा टाइम रोड पे ख़राब नहीं किया, ट्रैफिक भी था आज अच्छा खासा। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे हम यहाँ पे कानपुर पहुँच गए हैं। हमने ये सफ़र प्लासियो से गंगा बैराज का 2 घंटे में कवर किया, जिसमें हमारा बीच में स्टॉपेज है। आप देखोगे पूरा वीडियो में तो आपको दिखेगा कि हमने स्टॉपेज लिया था, और आप देख सकते हो कानपुर गंगा बैराज हम पहुँच चुके हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कैसा था वीडियो, कैसा था ब्लॉग। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड।